सो यहाँ पे हमने पब्लिक के अंदर एक डायरेक्टरी बनानी है स्टोरेज की, हमने इसको स्टोरेज के अंदर मूव करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, पी एच पी आर्टिसन स्टोरेज लिंक, राइट। सो इससे क्या होगा, आपकी जो स्टोरेज एक डायरेक्टरी बन जाएगी, और ये जो स्टोरेज है आपके पास और ये जो पब्लिक है, इसका आपस में लिंक बन जाएगा, और एक सिंबल एक हमारे पास लिंक बनेगा, और एक हमारे पास डायरेक्टरी यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास डायरेक्टरी क्रिएट होगी, और जो भी चीज़ें आप यहाँ पे स्टोर करेंगे वो यहाँ पे भी होंगी इस स्टोरेज के अंदर भी, ठीक है। ओके सो इसको करें क्लियर, और यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले हमने करना है फाइल का पाथ, फाइल पाथ, और फाइल पाथ हमने कहाँ पे इसको स्टोर करना है, पब्लिक पाथ के अंदर, ठीक है। पब्लिक पाथ एक आपके अंदर हेल्पर है जो आपको क्या रिटर्न करता है, यहाँ पे पब्लिक के अंदर यहाँ पे आपका कंट्रोल ले आता है। पब्लिक के अंदर आपने किसके अंदर जाना है, आपने जाना है स्टोरेज के अंदर, और स्टोरेज के अंदर आपने एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है जिसको आपने नेम देना है, जिसको हम नेम देते हैं साइट, ओके स्लैश, ये साइट का इमेज, नो ये एडमिन का इमेज है, एडमिन वाली साइट से हो रहा है, ठीक है। इसको हम ऑथ स्लैश, यहाँ पे आपने देना है इसको, सो व्हाट शुड इट शुड बी, सो यहाँ पे आपने देना है पोस्ट, ओके एंड देन उसके बाद पोस्ट के अंदर इमेजेस आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आए ये हमारे पास, और यहाँ पे अब यहाँ पे फुल पाथ इसका, फाइल विद पाथ, राइट। और यहाँ पे करें आप फाइल पाथ डॉट फाइल नेम, और इसको डीडी करें फाइल विद पाथ को, और यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आपके पास फुल पाथ भी रिटर्न करेगा, राइट। ये देखें ये ई के अंदर हमारे पास ये इस डायरेक्टरी के अंदर है, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, ये पब्लिक है, पब्लिक के अंदर स्टोरेज है, स्टोरेज के अंदर आथ है, और आथ के अंदर ये पोस्ट है, और पोस्ट के अंदर यहाँ पे आपने स्लैश लगानी है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे स्लैश लगाऊँ तो एक्सेप्ट करता है, करेगा, ओके। यहाँ पे ये देखें हमारे पास स्लैश आ चुकी है, और ये हमारा इमेज आ चुका है, राइट। तो ये हमारा पाथ बन रहा है, ठीक है, हमारे पास पाथ करेक्ट है। अब हमने क्या करना है, इसको मूव करना है, ठीक है। अच्छा, मूव करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपके पास फाइल ऊपर वेरिएबल आ रहा है टॉप पे, ये वाला, ठीक है, इसको आपने यूज़ करना है, और इस पर आपने क्या हेल्पर कॉल कराना है, मूव हेल्पर, ठीक है। मूव एक हेल्पर है जो आपके पास दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, पहले पैरामीटर के अंदर आपने उसका पाथ देना होता है, और दूसरे के अंदर देन आपने उसका वहाँ पर नेम डिफाइन करना होता है। तो ये चीज़ की थी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप मूव के अंदर आ जाएँ, और पहले के अंदर आप फाइल का पाथ दें, फाइल पाथ, और दूसरे पैरामीटर के अंदर आपने क्या करना है, फाइल का नेम पास कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी ये जो फाइल होगी ये मूव हो जाएगी कहाँ पे, इधर डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ मूव्ड, यहाँ पे सबमिट करें, यहाँ पे देखना आपके पास डायरेक्टरी क्रिएट होगी। आद के अंदर ये देखें पोस्ट, और पोस्ट का जो भी इमेज था ये हमारे पास मूव हो चुका है। और अगर ये चीज़ मैं आपको अपने पीसी से दिखाऊँ तो ये मेरे पास है डाउनलोड्स के अंदर इमेज टू, सो वेयर इज़ द इमेज टू, ओके दिस वन, ओके ये इमेज टू है, राइट। सो ये वाली इमेज हम अपलोड कर चुके हैं, इसको क्लोज़ करें। यहाँ से हमारे पास इमेज मूव हो गई है, इमेज मूव होने के बाद हमने क्या करना है, इसको डेटाबेस के अंदर भी स्टोर कराना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे गैलरी, गैलरी, और आपने यहाँ पे लिखना है क्रिएट, और क्रिएट के अंदर आपने क्या करना है, इसको क्रिएट करना है। तो इस फाइल का जो भी इमेज का जो भी नेम होगा, नेम क्या है वो हमारे पास नेम उसके अंदर है वेरिएबल के अंदर, फाइल नेम, राइट। एंड देन उसके बाद इसकी टाइप, अब आपने इसकी जो टाइप होनी है आप ज़ीरो और वन की फॉर्म में आपने देनी है, ज़ीरो देनी है या वन देनी है, राइट। लेकिन यहाँ पर हम ज़ीरो वन नहीं लिखेंगे, उसकी वजह क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट टाइम अगर हम खुद इस प्रोजेक्ट को रीड करेंगे 3-4 मंथ बाद, हमें नहीं पता चलेगा कि ज़ीरो क्या है और वन क्या है, या फिर कोई न्यू डेवलपर इस पर काम करेगा तो उसको भी नहीं समझ आएगी कि ज़ीरो या वन क्या है। उसके लिए हमने क्या किया था, कांस्टेंट डिफाइन किया था हमने गैलरी मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, पोस्ट इमेज वन, इसका मतलब क्या है कि वन किसको असाइन, पोस्ट इमेज हम लिख देंगे, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले आपने गैलरी, ठीक है, गैलरी का आपने पाथ देना है, गैलरी मॉडल का नाम लिखना है, और उसके बाद ये रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है
पोस्ट इमेज, ठीक है। अच्छा अब इसे बेसिकली हुआ क्या है, अब इसे क्या होगा हमारे पास, अब इस तरह से कोड होगा तो यूज़र क्या करेगा, कंट्रोल प्रेस करेगा और इस पर हावर करेगा तो यूज़र इंस्टेंटली स्पेस के अंदर स्विच कर सकता है। अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें ये पोस्ट इमेज हमें इस पर रिडायरेक्ट किया है इसने, इसे हमें इसके अंदर ले गया है और इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि पोस्ट इमेज को 1 वैल्यू असाइन है, ठीक है। तो इससे हमारा कोड भी रीडेबल है, कोड से भी पता चल रहा है कि 1 क्या कर रहा है, ये पोस्ट का इमेज है और इसके अंदर वैल्यू क्या है ये भी हम वहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। ओके इसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास रिटर्न करेगा गैलरी, राइट। और अब हमने क्या करना है, इस गैलरी आईडी को हमने स्टोर भी करना है समवेयर, राइट। सो स्टोर करने के लिए आपने आपने इसको पोस्ट के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करें गैलरी आईडी, ठीक है, और यहाँ पे कर दें आप गैलरी और देन इसे आईडी प्लग कर लें इस तरह से, ठीक हो गया। अच्छा अब आपके पास ये सिनेरियो तो ठीक है, लेकिन आपके पास जो पोस्ट टेबल की माइग्रेशंस थी, ठीक है, उसके अंदर आपने गैलरीज की फॉरेन की को क्रिएट नहीं किया हुआ, तो उसको पहले आपने क्रिएट करना है, राइट। सो डेटाबेस माइग्रेशंस, सो वेयर इज़ आ पोस्ट टेबल, क्रिएट, नो नॉट दिस वन, सो इट वुड बी द पोस्ट। और हमारे पास वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है गाइस, सो मैं इसको इंस्टेंटली इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे बना देता हूँ इसको गैलरी आईडी, गैलरी आईडी सेव करें और आपकी अपनी माइग्रेशंस को दोबारा से चला लें। हमारे पास माइग्रेट फ्रेश सीड, अब क्योंकि आज क्या होगा ये वाली फॉरेन की भी कनेक्ट, ओ अभी हमारे पास एक्सेप्शन आएगी क्योंकि हमारे पास ये जो गैलरी आईडी है यहाँ पे एडिड है, तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे आप इसका टाइम जो है वो कॉपी कर लें। अगर आपने किसी माइग्रेशन को टॉप पे लेके जाना हो तो आपने इसका टाइम जो दूसरी माइग्रेशन से कम रखना है, तो इससे क्या होगा वो टॉप पे मूव हो जाएगी। जहाँ पे हम 3 कर देते हैं तो ये इससे पहले मूव हो गई, अब यहाँ से हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ही क्या होगा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। सो अब हमारे पास ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ पे मैं आता हूँ और एक इमेज को अपलोड करता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे पब्लिक के अंदर आना है से ऑथ और इसको पहले डिलीट कर दें, पहले जो इमेज अपलोड हुई है, ठीक है, और फर्दर हम इसके डिलीट पे भी काम करेंगे। सो आई थिंक इसके अंदर इतना ही काफ़ी है और इसको मैं और ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता क्योंकि हमारी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लॉन्गर हो गई है, राइट। जैसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको 2 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। मैं इसको इधर ही कंटिन्यू करता हूँ और इसको मैं अपलोड करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे आ गया मैं, हमने डेटा चूज़ किया, यहाँ से फाइल चूज़ करते हैं, इमेज 2 सबमिट करें, डोंट हैव, ओके सॉरी गाइस, व्हाट व्हाई इट्स सेइंग दैट डोंट, ओह ओके, सो इट्स एग्जीक्यूटिंग द इफ एंड देन इट्स सेइंग दैट इट्स डोंट हैव, अदरवाइज इट्स हैव द फाइल, ओके फाइल हमारी अपलोड, गैलरी आईडी डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, ओके। सो अब ये क्यों कह रहा है गैलरी आईडी हैव डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो पोस्ट है इसके अंदर फिलेबल के अंदर हमने इसको ऐड नहीं किया हुआ, राइट। फिलेबल के अंदर इसको ऐड कर लें इस कॉलम को। सो यहाँ पे हम फिर से ट्राई करते हैं, चूज सम टैग्स, अपलोड करें इसको और यहाँ पे आपने वैलिडेशन भी लगानी है कि हमारे पास इमेज अपलोड होना चाहिए, देखिए हमारे पास अपलोड हो गया है। और यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हम पोस्ट के अंदर आते हैं, ये देखिए हमारे पास गैलरी आईडी 3 है, 3 के अंदर जाएं तो हमारे पास एक इमेज अपलोड हो चुका है, राइट। सो इसकी टाइप 1 है। और अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जब भी इमेज अपलोड हो तो हमने इमेज की वैलिडेशन भी इसके अंदर लगानी है, ठीक है। तो हमारी जो हम इमेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो उसका जो इनपुट है उसका एट्रीब्यूट का नेम क्या है, नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डिफाइन किया था हमने, फाइल डिफाइन किया था, राइट। मैं इसकी बात कर रहा हूँ इसकी, राइट, ये जो फाइल हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने फाइल लिखना है और फाइल पे आपने वैलिडेशन लगानी है, वैलिडेशन एक तो रिक्वायर्ड की लगेगी, राइट, और इसके बाद इस पर और कौन सी लगेगी, इमेज की वैलिडेशन लगेगी, इमेज की वैलिडेशन भी है। और उसके बाद आप मैक्सिमम साइज़ की भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने मैक्सिमम साइज़ इस तरह से नहीं लगानी, वो आपके पास
यहाँ पे आप इसकी डायमेंशंस भी डिफाइन कर सकते हैं। आप इस तरह से डायमेंशंस इसकी मिनिमम मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा और भी डिफरेंट आपके पास पैरामीटर हैं। आप यहाँ पे माइम्स टाइप, इसकी टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कि कौन कौन से फॉर्मेट के अंदर हो, सिर्फ PNG हो, ठीक है, JPG हो, और देन यहाँ पे अगर मैं आपको इमेज दिखाऊँ, मेरे पास ये कौन सी इमेज थी, ये PNG थी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट JPG को यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं आपको जस्ट एरर शो कराना चाहता हूँ कि हमारे पास एक्सेप्शन किस तरह से आएगी। यहाँ पे मैं इसको सेव किया, एरर क्यों दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड। इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज, ये है तो सही। लेट मी टाइप इट करेक्टली अगेन, माइम्स, ओके, JPG, ओह सॉरी, यहाँ पे मिसिंग है, ठीक हो गया। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इमेज को फिर से अपलोड करते हैं। उसी इमेज को करेंगे जिसका हमने हमारे हमने PNG इमेज को चूज़ करना है, और हम चेक करना चाह रहे हैं कि जस्ट हमें अब बताएगा सिस्टम कि जस्ट आप JPG इमेज अपलोड कर सकते हैं, आप PNG अपलोड नहीं कर सकते। रिटर्न बैक हुआ, फाइल मस्ट बी टाइप ऑफ JPG, राइट, एंड टैग फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि ये हमारे पास एम्प्टी था। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं आपके पास इमेजेस कौन कौन सी टाइप की हों। यहाँ पे आप कॉमा भर के यहाँ पे PNG कर सकते हैं, उसके बाद अदर टाइप्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आप डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको फिर से अपलोड करते हैं तो हमारे पास ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इसको इमेज सबमिट, फाइल टाइप ऑफ JPG और PNG। सो अभी मैंने PNG किया था। यहाँ पे जाऊँ, मेरे पास डॉट, मे बी ये डॉट तो मैंने इनके साथ नहीं लगाना, यहाँ पे डॉट PNG इस तरह से ऐसे लगाना तो नहीं होगा, बट मेक श्योर कर लेते हैं इस चीज़ को भी। माइम्स टाइप लारावेल, ओके, गाइस मैं 1 घंटे से इन वीडियोस को शूट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं काफ़ी थक भी गया हूँ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको अपने जो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफज़ाई होती है कि आप लोगों को ये चीज़ें वाकई पसंद आ रही हैं, ठीक है। माइम्स, और माइम्स के अंदर यहाँ पे JPG है, देन PNG है, ये जो स्पेस है आई थिंक ये नहीं देनी थी। लेट्स गो हेयर, रिफ्रेश इट, ओके गाइस, तो ये हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। तो बेसिकली यहाँ पे स्पेस थी, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने स्पेस नहीं देनी, अदरवाइज़ इसको स्पेस PNG रीड करता है, जिसकी वजह से इसको क्रिएट नहीं कर रहा था, राइट। अभी हमने यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले भी कराना कराना है टाइटल के साथ, इसको हम क्लोज़ करते हैं। उप्स, क्लोज़ करने से पहले आपने क्या करना है, इसी सेम वैलिडेशन को आपने कॉपी करना है, ठीक है, और आपने अपडेट के अंदर भी डाल लेना है, राइट। यहाँ पर डाल दें, क्रिएट को क्लोज़ करें, और देन आपने क्या करना है, अपने आप उसके अंदर आए, इसके इंडेक्स के अंदर, और यहाँ पे आपने इमेज को डिस्प्ले कराना है सबसे पहले। स्कोप इज कॉल, ओके, एंड इमेज, एंड देन यहाँ पे भी आपने TD, और इसको पोस्ट और इमेज,
और रिमेंबर यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इमेज टैग के अंदर इसको डिस्प्ले कराना है, क्योंकि हमारे पास ये टैक्स नहीं है, इसको हमने इमेज टैग के अंदर शो कराना है। तो यहाँ पे आपने सोर्स देना है, और सोर्स आपके पास क्या है, वो आपके पास है यहाँ पे डिफाइन होगा, यहाँ के पास होगा एसेट्स, नॉट एसेट के पास होगा पब्लिक पाथ, पब्लिक पाथ के अंदर है स्टोरेज स्लैश 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 और स्लैश पोस्ट, ओके। एंड देन यहाँ पे इसके बाद देन आपने इसका जो कंकेटिनेशन करनी है वो आपने पोस्ट पोस्ट और पोस्ट के साथ आपने इमेज का रिलेशन बनाना है। तो पहले हम रिलेशन को बना लेते हैं, पोस्ट एक पोस्ट का एक ही इमेज होगा, ठीक है। जैसे हम 1-to-1 रिलेशन बनाएंगे, एक फंक्शन इमेज, और यहाँ पे आएगा रिटर्न दिस बिलोंग्स टू वाई, क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन की है जिस टेबल से हम एक्सेस कर रहे हैं उसी टेबल के अंदर स्टोर है, तो उस टाइम पे हमारे पास बिलोंग्स टू लगता है, ये सबसे बड़ी निशानी है। और अगर आप की फॉरेन की दूसरे टेबल के अंदर है जहाँ से आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका हैज़ वन लगेगा। गैलरी क्लास और अदर पैरामीटर में डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लारावेल की कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप करें गैलरी, यहाँ पे भी करें पोस्ट गैलरी और गैलरी का इमेज, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करें। इमेज आपके पास नहीं आ रहे, जिसको हम पॉज देखते हैं, स्लैश एसेट स्लैश नॉट दिस वन, ये हमारे पास है लार्वेल एप्स, लार्वेल ब्लॉक सिस्टम, पब्लिक, एंड देन इनसाइड द पब्लिक इट वुड बी हैविंग स्टोरेज, स्टोरेज हैविंग दिस ऐप एंड ऐप एंड स्टफ लाइक दैट, राइट। सो जस्ट गो हेयर एंड आई थिंक वी नीड दिस स्टोरेज डायरेक्टरी, स्टोरेज पाथ, स्टोरेज पाथ, एंड देन कंटेन द सेम स्टोरेज, स्टोरेज पाथ, स्लैश ऐप, स्लैश भी रिमूव कर दें, ऐप स्लैश, अगर यहाँ पे रिफ्रेश करें हमारे पास यहाँ पे भी इमेज लोड नहीं हुए, राइट। स्टोरेज स्लैश ऐप पब्लिक ऑथ, ओके, यहाँ पे आपने स्लैश लगानी है, यहाँ पे रिफ्रेश करें तो इमेज लोड हो जाएंगे आपके पास, ओके। स्टिल इनका बहुत गलत है, यहाँ पे क्लिक करें किसी भी इमेज पे, ओके। सो इस तरह से आप नहीं करा सकते, आपने यहाँ पे डिफरेंट वर्सेस को लोड कराना है। तो आप यहाँ पे करें एसेट, ठीक है, एसेट के अंदर जब आप लिखेंगे तो आपका कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, पब्लिक फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप करें स्टोरेज, यहाँ पे आ रहे हैं हम, मैं इसको क्लोज करूँ, यहाँ पे पब्लिक, और पब्लिक के अंदर ये जो स्टोरेज डायरेक्टरी हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, एसेट के अंदर स्टोरेज, स्टोरेज के अंदर ऑथ डायरेक्टरी है, और ऑथ के अंदर हमारे पास पोस्ट हैं, पोस्ट के अंदर हमारे पास ये है, इस पर क्लिक करें तो आपके पास इमेज ओपन होता है, यस नो इमेज ओपन नहीं हो रहा, स्टोरेज स्टिल ये स्टोरेज के अंदर जा रहा है, स्लैश ऑथ स्लैश, अगर यहाँ पे हम पब्लिक डिफाइन करें,
पब्लिक के अंदर, स्टोरेज के अंदर, पब्लिक के अंदर, स्टोरेज के अंदर ऑथ है, ऑथ के अंदर है पोस्ट। ओके एक स्लैश यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे नहीं लग रही, राइट। ये देखें यहाँ पे हमारे पास पोस्ट के पास स्लैश नहीं आ रही, राइट। इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड कर लें लाइक स्लैश, इस तरह से स्लैश आ गई यहाँ पे। अब इमेज लोड हो जाएगा, स्टिल नहीं हो रहा पोस्ट स्लैश। ओके आई थिंक आई शुड रिमूव दिस पब्लिक, देन इट्स गोइंग टू वर्क, वेरी होप। क्लिक ऑन दिस एंड यस आवर इमेज इज नाउ लोडेड, राइट। कैन आल्सो रीड दिस वन, इमेज वैलिडेशन, डोंट रीड दिस। ओके यहाँ पे रिफ्रेश करें तो आपके पास इमेजेस लोड हो जाएंगे, लेकिन इनका साइज़ भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ये देखिए हमारे पास काफ़ी बड़ी इमेज है, तो हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर आएँ, यहाँ पे आर्ट के अंदर भी लिख दिया करें, ये SEO वाइज बेटर है अगर आप SEO के लिए ये चीज़ बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर साइड पर है, इस पर नाम भी लिखें तो हमारे पास कुछ नहीं होता। लेकिन मैं लिख देता हूँ पोस्ट इमेज स्टाइल विथ वुड बी 80px, और यू कैन डिफाइन दिस इन द परसेंटेज, इट विल बी बिकम रिस्पॉन्सिव फॉर ऑल डिवाइसेस। ओके सो इस तरह से हमारे पास ये डिस्प्ले हो रही है, राइट। तो आपके पास जो टाइटल है ये दो लाइंस पे आ रहा है, जिसकी वजह से ये सही नहीं डिस्प्ले हो रहा था। आप क्या करें, टाइटल पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दें, जिस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन पे ये सेम लिमिट लगाई हुई है। सो यहाँ पे लगा दें str, इतनी लिमिट 15 की लगा दें, 15 भी ज़्यादा है, 10 की लगा दें। ओके सो अब ये वन लाइन के अंदर आ रहा है, राइट। सो ये जो हमारी इमेज है इसकी विड्थ ज़्यादा है, ठीक है ना, सॉरी हाइट ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऐसे हमारे पास दो रोज के आ रहे थे। इन दोनों के अंदर हम स्पेस दे सकते हैं। तो अभी आई एम वेरी टायर्ड, बिलीव मी, ये मैं तकरीबन 2 घंटे होने वाले मैं वीडियोस को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको प्रॉपर टाइम पे अपलोड नहीं कर पाता मसरूफियात की वजह से, ठीक है। एट द टाइम मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो कहीं कोई इशू हो जाता है। कल भी हमारे पास एक इशू आ गया था, कैमटासी 100% वीडियो को रेंडर करता था, और उसके बाद देन उसके अंदर कोई एक्सेप्शन आ जाती थी, उसको रेंडर नहीं करता था, तो कल भी डिले हो गई थी। इस वजह से मैं इस चीज़ को डायरेक्टली अभी मैंने किए हैं 5-6 वीडियोस, तो इनको मैं अभी स्केड्यूल कर दूंगा, तो देन आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी, डेली वीडियोस टाइम पे मिलेगी। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको जो ओवरऑल सीरीज़ है ये कैसी अच्छी कैसी लगी है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।